सतना में चेकअप के लिए जिला अस्पताल लाया गया हत्या का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है। उचेहरा थाना अंतर्गत कुंभी ग्राम निवासी साहबलाल भूमिया पिता कुंजल भूमिया 302 का आरोपी है। अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में सेंट्रल जेल सतना में 27 दिसंबर 2022 को लाया गया था। तब MLC में उसके पैर में फ्रैक्चर होना बताया गया था। पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी को पैर में सूजन होने के कारण उपचार के लिए अन्य एक दर्जन बंदियों के साथ जिला अस्पताल लाया गया था। जानकारी के मुताबिक फरार कैदी साहबलाल भूमिया को उपचार के लिए 20 जनवरी 2023 को भेजा गया था। जांच के बाद डॉक्टर ने पैर में फ्रैक्चर होने के कारण प्लास्टर चढ़ा दिया था। उसके बाद पैर में सूजन थी, जिसके चेकअप के लिए 26 फरवरी को अस्पताल ले जाया जाना था, किंतु होली त्योहार नजदीक होने और गार्ड न मिलने के कारण तब अस्पताल नहीं ले जाया गया। गार्ड मिलने पर कैदी साहबलाल को अन्य 13 बंदियों के साथ 10 सिपाही एवं अधिकारी अस्पताल में मौजूद रहे। बताया गया है कि उक्त बंदी पुलिस को चकमा देकर भाग खड़ा हुआ। हालांकि पैर में प्लास्टर बंधे होने और सूजन होने के बावजूद साहबलाल का पुलिस कस्टडी से फरार होना पुलिस बल की लापरवाही को दर्शाता है। जिला अस्पताल में सेंट्रल जेल में हत्या के आरोप में निरुद्ध बंदी के फरार होने की जानकारी मिलते ही जेल सुपरिटेंडेंट लीना कोस्टा ने विभाग के DG जेल को जानकारी दे दी है।